सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले कि न्यू चैनल को सर्च रैंक में कैसे लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो और दोस्तों आप न्यू चैनल ओपन किए हो तो दोस्तों अगर आप सर्च करते हो अपने चैनल को तो वहाँ दोस्तों आपका चैनल शो नहीं होता है, अदर अदर चैनल आने लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग न्यू जब चैनल ओपन करते हो तो क्या मिस्टेक करते हो जिसके कारण से दोस्तों आपका चैनल सर्च रैंक में नहीं आता है और दोस्तों अदर चैनल आता है बट आपका नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जब भी हम लोग न्यू चैनल ओपन करते हैं तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि देखा देखिए किसी का नाम रख लेते हैं, जैसे मनोज है, सौरभ जोशी, बड़े बड़े क्रिएटर का उसका भी कॉपी कर लेते हैं या अदर किसी का भी। तो दोस्तों आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, न्यू चैनल में। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एक यूनिक नाम रखना है। अगर यूनिक नाम रखते हो तो आपका दोस्तों चैनल सर्च रैंक में आएगा, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हो, जैसे मेरा ड्रीम हो विजय, अगर अभी सर्च करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और सेकंड जो ब्लॉग विथ विजय वो भी दोस्तों फर्स्ट नंबर में आता। तो दोस्तों आपको यूनिक नाम रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर यूनिक नाम भी रख लिए हो और आप सर्च कर रहे हो तो फिर भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा, वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा लाइव प्रूफ करके आपको। तो अगर आप सेटिंग कर लेते हो तो आपका चैनल सर्च रैंक में आने लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर अपने चैनल को सर्च रैंक में लाना है, एक नंबर में लाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप साइड में देख रहे थे मैंने फ़ोन का स्क्रीन ऑन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र को अपना वाइट स्टूडियो को डेस्कटॉप में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख रहे थे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च टाइप और एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले सर्च कर रखा है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है। तो डायरेक्ट दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ले जाएगा और वहाँ से दोस्तों आपको सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा वेट कर रहा है, अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा वाइट स्टूडियो डेस्कटॉप मोड ओपन हो गया। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है कि इंग्लिश में कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इंग्लिश होगा, ठीक। तो ये देख सकते हो चैनल डैशबोर्ड खोल गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते हैं आपका जो भी दोस्तों यहाँ चैनल का सारा शो होता है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सेटिंग कर सकते हो बट दोस्तों आपको यहाँ को ज़्यादा कुछ मत करना है। अभी सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जनरल का ऑप्शन मिलता है, एक चैनल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको चैनल में जाना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कीवर्ड लिखने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप चैनल कीवर्ड अगर डाल देते हो जैसे आपका जो भी चैनल है, ठीक है, जैसे मेरा ड्रीम ऑफ विजय है तो इसमें दोस्तों मैं ड्रीम ऑफ विजय लिखता हूँ, ड्रीम का विजय, ऐसे विजय ऑफ ड्रीम। तो आपको दोस्तों घुमा फिरा के वो चैनल और अपना चैनल जो नाम है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से आप अपना ब्लॉग, देसी ब्लॉग, इस तरह आपको दोस्तों आपका चैनल रिलेटेड अगर कीवर्ड भी डाल देते तो आपका भी चैनल भी ग्रोथ मिलता है, ठीक है। तो बट दोस्तों आपको यहाँ चैनल अपना नाम देना है, जो भी दोस्तों आपका चैनल नाम है, ठीक है। तो एडवांस सेटिंग यहाँ पे देख रहे थे जनरल सेटिंग, उसके बाद दोस्तों एडवांस सेटिंग इधर मिलता है और चीज कुछ सेटिंग कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे दोस्तों कीवर्ड में आपका चैनल नाम दे देना जो भी आप न्यू चैनल ओपन करते हो। तो ये सेटिंग दोस्तों अगर कर लेते हो, ठीक है, तो आपका चैनल सर्च रैंक में आने लगेगा और यहाँ से आपको सेव कर देना है, ठीक है। ये देखो सेव, मैंने सेव कर दी। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया अपने चैनल का और जब भी आप दोस्तों 2 से 3 घंटे बाद आप सर्च करते हो तो आपका चैनल एक नंबर में आने लगेगा और आपका चैनल शो होने लगेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सेटिंग कर लेना अगर न्यू चैनल ओपन करते हो, ठीक है। और आपको कोई यूनिक नाम रखना है अपना चैनल का, ऐसा नहीं कि भाई किसी का भी कॉपी कर ले और उसका चैनल नाम रख लिया, ठीक है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो आपसे कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों का शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार। आगे आपको ऐसे YouTube से रिलेटेड वीडियो आप इस चैनल में आपको मिलता रहेगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तो लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।